पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ममता बनर्जी को लेकर भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को उत्तर कोरिया के तानाशाह किंग जोंग की तरह बताया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लगातार भाजपा कार्यकर्ता और कार्यालय पर हमले की खबर सामने आती रहती है, इसी को लेकर गिरिराज सिंह ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने अगले आदेश तक राज्य में स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑनलाइन परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। वह इस मामले में न्यायालय ने राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। राज्य में ठंड के आगमन को लेकर ब्रेन हैमरेज के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजधानी पटना में ब्रेन हैमरेज मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि न्यूरो आईसीयू में बेड नहीं मिल रहे। राजधानी के प्रमुख सरकारी अस्पताल IGIMS में भी न्यूरो आईसीयू के सभी बेड भरे पड़े हैं। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए मसौढ़ी SDM ने जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी गई, तो वहीं बिना मास्क पहने बाहर घूमते लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। साथ ही साथ सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को फॉलो न करने वाले दुकानदारों का दुकान सील भी किया गया। गया के इमामगंज में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोचिंग संस्थान को बंद करने का निर्देश दिया था, जिसके विरोध में विद्यार्थी सड़क पर उतर गए और स्टेट हाईवे 69 को घंटों जाम किया, जिसके कारण आवाजाही में काफी समस्या का सामना करना पड़ा। कोचिंग में कोई आया थे छोटा पद सिंचा पद अधिकारी के, वही वीडियो कर रहे थे और बोले कि कोचिंग संस्थान बंद कर दिया। जाम लगाने के एक कारण हम लोग तो पढ़ाई बंद हो रहा है, ठीक है। हम इलेक्शन कहीं ले लेते हैं, इलेक्शन हमारे इमामगंज प्रखंड के, तो इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से जमुना मैदान में देख लीजिए, कई नेता आए, भीड़ लाखों की संख्या में लगी, 10,000-15,000 की भीड़ लगी, उसमें कोरोना ही हुआ। अभी कोचिंग बंद करवा रहे हैं, इलेक्शन खत्म हुआ, अब कोरोना का चर्चा चलने लगा। हम लोग का 2 महीना बाद एग्जाम है फरवरी में, समझे, और हम लोग के पास डीओ साहब आए थे और वीडियो बनाओ, बोले कि आप कोचिंग बंद हो जाएगी, कोई पढ़ाई नहीं होगा। सरकार का आदेश है कि अभी कोचिंग वगैरह है बंद रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता, इसीलिए हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कोचिंग संचालक को बंद करने के लिए कहा गया और उसी में बच्चों को उग्र कर दिया गया और उसी के तहत जो है यहाँ पे काम कर। मुंगेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सड़क पर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने 4 लुटेरे को गिरफ्तार किया, तो वहीं इनके पास से चोरी की गई बाइक भी बरामद की गई। वहीं इस मौके पर जिले के ASP नंजी प्रसाद ने कहा कि ऐसे तमाम लूटपाट करने वाले गिरोह का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। अंतर्गत NH-80 पर तिलबटिया चौक के पास अनंत कुमार नाम करके भागलपुर के निवासी अपने बहन के यहाँ 17 तारीख को आ रहे थे। मई गांव में तिलबटिया के पास एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति ओवरटेक करके उनका मोटरसाइकिल पर छीन लिया, मोटरसाइकिल लेकर के भाग गया।